मैं जी श्रद्धा नाम है मेरा। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे अभी इन्होंने कहा ना, मैंने भी रेकी पहले सीखा हुआ है। मतलब हाँ मैं डिस्टेंस सीलिंग दे रही थी। दो तीन हाँ महीने पहले ऐसे हुआ कि एक क्लाइंट मेरे पास आया जो बहुत ही क्लोज था मेरे, बहुत ज्यादा। और उसको डिस्टेंस सीलिंग देते देते आई डोंट नो इतना, मतलब फिर उस रेकी के प्रोसेस में ही हमारा रिलेशन बहुत खराब हो गया। एंड वो निगेटिविटी इतनी ज्यादा आ गई कि उसके तीसरे चौथे दिन बाद मुझे कंप्लीट, यू वोंट बिलीव इट मैम, मैं सालों से कर रही हूँ बट मेरा पूरा वाइप आउट हो गया। इतना मैं ब्लैंक हो गई थी मैम, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपका क्लास इसलिए वापस ज्वाइन किया, और जैसा ही फर्स्ट अटूनमेंट आपने दिया ना, वो जो आप कह रहे थे वाइट लाइट, मुझे वो यूनिवर्स से ज्यादा, मतलब आपका ऑरा, आपका एक्सपीरियंस, आपका, मेरे पास ऐसे, मैं अभी भी शिवर कर रही हूँ बोल रही हूँ तो। एंड जैसे ये 7 चक्र का मेडिटेशन रोज सुबह हो रहा है, आई एम फीलिंग लाइक यू नो, वो जो मेरी एनर्जी गई थी वो ऐसे दोबारा जैसे 7 गुना होके मेरे अंदर वापस आ रही है। आई एम फीलिंग सो फ्रेश, थैंक यू सो मच। और अभी जो बोल रहे थे ना उनको, बस मैं वही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा होता है, शायद हम भी इंसान हैं तो कभी कभी कुछ गलत फ्रिक्शन, कुछ अपना मेंटल स्टेट, बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड होती है। मैं कंप्लीट भूल गई थी मैम, मतलब आई वॉज नॉट रिमेम्बरिंग एनी, मुझे चोकू रे बनाना नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक इतना ये हो गया था, और वो आपने वापस दे दिया मैम। और मैं आपकी, मतलब कितनी बार थैंक यू आपको बोलती हूँ दिन में, आप बिलीव नहीं कर सकते। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद रखना और सबको ऐसी आपकी एनर्जी मिलती रहे। आप अपना ध्यान रखते हो उसके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।